हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। विकास वर्मा और डायना खान का नया सॉन्ग हाय तेरी है सुबह लॉन्च। लॉन्च पार्टी में विकास के कुछ फ्रेंड्स और रिश्तेदार नजर आए और साथ ही में डायना के भी करीबी फ्रेंड्स इस रेस्टोरेंट में नजर आए। सभी ने मीडिया से बातें करते हुए अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और साथ ही में बताया इस गाने को बनाते वक्त कितना मजा किया। साथ ही में विकास ने कूली नंबर वन की बात कही और बताया कि क्या स्टेटस है फिल्म का। इसी के साथ विकास ने वरुण को गोविंदा के साथ कंपेयर किया और बताया कि डेविड धवन के साथ काम करने में कितना मजा आया है। साथ ही में सभी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। आई थिंक हील्स पे है बेसिकली। मैं मार्केट जारी रहती हूँ और मेरा चेन चोरी हो जाता है, फिर ये भाई साहब आके इनको मेरे से प्यार हो जाता है और फिर चेन वापस लेके आ जाते हैं। ये तो बता दी डायना ने स्टोरी, गरारी और सांस ने बनाया, सर ने, राजेश जी ने प्रोड्यूस करवाया, मालवा रिकॉर्ड्स पे आया। इट्स अ लवली सॉन्ग, आई थिंक रैप है उसमें, आई थिंक थोड़ा गुरु रंधावा टाइप का स्टाइल है, तो दिस गाय इज न्यू एंड ही इज गोना रॉक इट एंड इज अमेजिंग। वरुण सूद और दिव्या अग्रवाल मुंबई के कुछ खास जगह पर अपनी अपकमिंग फिल्म रागिनी MMS को प्रमोट करते आए नजर। Response is very positive. Best part is ki people have loved the story, yeah. And because apne part mein aise release kiye the, so a lot of people were like, "Yaar, ye to end nahi ho sakta." But the last 6 episodes really unrevealed the story, and that really worked for the entire team of Ragini. Yeah, I think we have successfully delivered the message, jo hum itne time se India ki society mein dekhte aa rahe hain, cheeze ho rahi hain. सो हमें बहुत अच्छा एक कमेंट मिला था कि कस्तूरी रियल लाइफ में भी होनी चाहिए एंड कस्तूरी का मेन मोटिव था दैट शी वांट्स टू किल ऑल द क्रीप्स दैट ट्रबल द विमेन। तो आई थिंक ये मैसेज जो एकता ने भेजा है थ्रू रागिनी, आई थिंक काफी लोगों को समझ आया है एंड होपफुली बदलाव है। फिल्म भांगड़ा पाले के म्यूजिक टीम से मीडिया ने की कुछ खास बातचीत। रमेश दुरानी की बेटी स्नेहा दुरानी फिल्म भांगड़ा पाले से अपना डायरेक्टर डेब्यू कर दी है। यह फिल्म भांगड़ा पर है तो जाहिर है कि फिल्म के गाने तो जबरदस्त होने हैं, तभी तो लोगों से फिल्म के गानों के लिए खूब सारा प्यार मिल रहा है। और उन्हीं गानों पर काम करने वाली टीम यानी म्यूजिक टीम से की हमने कुछ खास बातचीत, जिसमें सभी ने बातें की उनके गानों के बारे में और बताया कि कितना समय लगा उन्हें सॉन्ग्स पर काम करने के लिए। साथ ही में सभी ने स्नेहा के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। वहीं स्नेहा ने बताया कि उनके डैड रमेश दुरानी ने उनके इस फिल्म में उनकी कितनी मदद की है। So, I have composed two songs in the film. One is Kala Joda. So, Kala Joda is initially, Kala Joda is a folk. It's already a folk. So, I built the melody around it. So, and the second song is Sachia, which not only me, but there is Kaushik and Guddu also. So, we three have composed it together. Like, hardly 2 mahine ke andar, we could get the briefs properly and we could work around it and wo ho gaya tha, matlab composition level mein wo ho gaya tha, but then we had sessions with Sneha and wo simultaneous sessions chalte gaye and slowly we went closer to what she wanted and then we cracked it at one. These songs are as much hers as it is ours. Yeah. Because she's been part of all this process, she's made sure that we get to see her vision as well. So that way when everything comes in totality, it's a very special project for us, because not just because of the kind of songs that we have done, but also the kind of support relationship, the camaraderie that we have developed with each other. And that is the beauty of Jammate. You will see there's no such competition or anything that we face with each other. Bollywood gossip mein filhal itna hi, kal phir milte hain film industry ke khatte meethe khabron ke saath. अलविदा।